बिखरा हुआ सामान, खुली हुई अलमारी। ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना की, जहां अपराधी कितने बेखौफ हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बदमाशों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर 60 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन ये मामला इतने पर ही नहीं खत्म होता। अपराधियों ने व्यापारी की तिजोरी तो लूटी ही, साथ ही साथ शीशे पर अपनी भावनाएं भी लिखते चले। अपराधियों ने पहले तो बड़े इत्मीनान से पूरे घर को लूटा और फिर शीशे पर लिख डाला, भाभी जी बहुत अच्छी है। जहां भाभी की तारीफ में चोरों ने लिपस्टिक से भाभी जी बहुत अच्छी है लिखा, तो उनके पति को कोसा भी। दरअसल ये पूरा परिवार छठ मनाने अपने गांव गया था और इस बीच बदमाशों ने मौका देखकर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिस घर में चोरी हुआ उसमें घर में कोई लोग थे नहीं, अपने परिवार वालों के यहाँ पे छठ मनाने के लिए गए थे। उसे कर लिए जब रात में चोर आया है, चोरों ने जो बाकी घर है उनको बाहर से ताला मार दिया, जैसा कि ये लोग बता रहे। और फिर जिस घर में कोई नहीं था उसमें जाके इन्होंने जो है सामान की चोरी की है। जब ज़्यादा हलचल होने लगा तब जो ऊपर में रहते हैं उनको थोड़ा शक हुआ, तो उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया। उसने में ही ये लोग जो चोरी करने आए थे वो लोग भाग गए वहाँ से। तो फिर जो ऊपर जो आर्मी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है उन्होंने फिर बाकियों को आज़ाद किया। फिर थाना को फ़ोन वगैरह हुआ तो फिर थाना आके फिर देखा कि यहाँ पे चोरी हुआ है। चोरी उन्होंने मॉडिफाई करवा दिया कि चोरी हो गया। अब जब वापस लौटे तो इतना इतना सामान चोरी पाया गया। ये कौन करवा रहे थे? आप वापस गांव से लौटे तब? हाँ। आपके फैमिली मेंबर घर में नहीं थे? हमारे फैमिली मेंबर थे, दो फ्लैट्स में थे। उनको घर से उनको लॉक बंद नहीं किया गया? बंद किया गया था। लॉक नहीं किया? लॉक किया गया था। व्यापारी के मुताबिक वो छठ के लिए गाँव गए थे, लेकिन घर की रखवाली के लिए उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को घर पर छोड़ा था। मगर फिर भी चोर अपने मकसद में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि पुलिस ने डकैती के मामले को चोरी बताकर रिपोर्ट दर्ज की है। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले लगातार बिहार से सुनने को मिलते हैं। जिस तरह से इस वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है उससे एक बार फिर से पटना पुलिस की चौकसी पर सवालिया निशान लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।